ये जो 400 पार का जो नारा था, क्या आपको लगता है वो भारी पड़ा है? क्योंकि 400 पार जो है उसकी वजह से बहुत सारी अटकलें लगी थी कि संविधान बदल देंगे, तानाशाही आ जाएगी। निश्चित रूप से नहीं, संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए, क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि जो थोड़े बचे कुछ है, गरीबों को अभी लाभ मिलना बाकी है, वो काम भी हमने पूरा करना है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि अभी भी हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना बाकी है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि इस देश के अंदर नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में ढेर सारा काम करना बाकी है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि हर 70 साल से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हम देना चाहते हैं। हमने 400 सीट का 10 साल में क्या उपयोग किया? धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बना और कॉमन सिविल कोड UCC लेकर हम आए। हमने 400 सीट हमारी नई थी मगर पर्याप्त बहुमत था। इसका उपयोग हमने संविधान सभा ने जो देश को वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने में। पर वो 272 से भी हो सकता था, 400 मतलब आपने जब 400 किया तो इट लुक लाइक कोई बड़ा कदम उठाना है। नहीं, 400 और 272 से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, exactly. बड़ा कदम उठाने के लिए 400 की जरूरत ही नहीं है, अभी हम उठा सकते हैं, मैं यही कहता हूं आपको। परंतु 400 सीट कोई भी व्यक्ति अपने काम का एक्सपांशन नहीं करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सपांशन नहीं करेगी? देखिए, बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। आर्टिकल चेंज कर दिए, लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी डाल दी और कोई भी कारण के बगैर 1.25 लाख लोगों को जेल के अंदर 19 महीनों के लिए ठूंस दिया। हमने कभी इसका बेजा उपयोग नहीं किया है और ना कोई राहुल बाबा को इतनी गंभीरता से लेता है, सिवा आपके।